रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये लेक्चर मेरा इस वक्त सेकंड ईयर के लिए है और फर्स्ट ईयर के लिए भी। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अब उर्दू का ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहा है। वो ये कि अभी तक आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी तालीमी ज़रूरत पूरी हो रही है, अल्फाज़ मानी आपके पास नोट हो रहे हैं, आपकी किताब वर्ड्स मीनिंग से भरपूर है इस वक्त, ग्रामर का हिस्सा भी आपको साथ साथ सिखाया जा रहा है, लेकिन एक ज़रूरत और महसूस की गई और वो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जाहिर है आपने पेपर देना है, उर्दू सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पर्चा भी देना है, पर्चे की तैयारी भी करनी है। और मैंने कभी भी किसी मरहले पे स्टूडेंट्स को इम्तिहान की तैयारी इंड में करवाने का नहीं सोचा। ये एक दफ़ा तैयारी नहीं करनी होती, बारहा दफ़ा तैयारी करनी होती है। आज हम उस तैयारी का आगाज़ करने जा रहे हैं। अभी इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके सामने आज एक शॉर्ट क्वेश्चन सेंड हो जाएगा। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपकी पहली एक्सरसाइज का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने याद करके लर्न करके आज ही के दिन आपने वापस भेजना होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि अब डेली एक शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड हुआ करेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना होगा और एक रजिस्टर पर तरतीब के साथ, पेजेस पर नहीं, एक रजिस्टर पर तरतीब के साथ आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको दोबारा मुझे सेंड करना होगा ताकि इसको चेक कर लिया जाए। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो वीक में दो होती हैं, सैटरडे और फ्राइडे क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्लान में शामिल है कि उनको तीन कर दिया जाएगा ताकि कोरोना से पहले आपकी मैक्सिमम उर्दू का काम हो सके। शॉर्ट क्वेश्चन के ज़िमन में एक चीज़ ये भी नोट की गई है, बताई गई है साथ ही, के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से उसको हेडिंग्स बनाया गया है, हेडिंग्स में तकसीम किया गया है ताकि उसको याद करना आसान रहे। इसके अलावा ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर का यूज़ जैसे करके आप अहम बात को हाईलाइट कर लेते हैं वो भी उसमें किया गया है। नीस एक और अहम काम किया गया है कि इसको वो रखा गया है कि जो बुक से तमाम की तमाम चीज़ दिखी गई है, बुक से लिखने की वजह इसलिए है कि आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाते हैं और आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो गलती का इस्तेमाल होता है। ये मुकम्मल बुक की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन लिखा गया है ताकि आप इसको याद कर सकें तो आपके एमसीक्यूज भी याद हो जाएं। और जब इसको आप बुक ही के अल्फाज और अंदाज में लिखेंगे तो यकीनन इसमें गलती नहीं होगी। उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर को आप समझ गए होंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और फ़ायदा लेना चाहेंगे। शुक्रिया।